वेलकम टू डिजिटल न्यूज। प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। हर तरफ खून खराबा मचा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के आशियाने पर ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के बुलडोजर से बेसहारा गरीबों मजलूमों को ही रौंदा जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर गुरुवार को मेहता तहसील क्षेत्र के मड़ौली गाँव में तहसील प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा कब्जा हटवाने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुए अग्निकांड में जलकर मरी मां बेटी के परिजनों से मिलते हुए यह बात सपा नेताओं ने कही। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मृतक के घर पहुंचकर सपा के मुख्य सचेतक विधानमंडल मनोज पांडे एवं विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उनकी लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया है। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी, सरकारी आवास, जमीन का पट्टा तथा घटना में शामिल हर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा एवं उक्त घटना की जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग की है। मेहता तहसील एवं रूरा थाना क्षेत्र के गांव मड़ौली में ग्राम समाज की बंजर जमीन पर किए गए अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में पहुंची मेहता तहसील की राजस्व विभाग की टीम एवं रूरा थाना पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटवाए जाते समय झोपड़ी में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से मां बेटी की मौत हो जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा सरकार के नुमाइंदे एवं आला अधिकारी भले ही इस मामले में शांत होने का दावा कर रहे हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता एवं कार्यकर्ता गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर भाजपा सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। गाँव पहुँचने वाले हर विपक्षी दल के नेता भाजपा सरकार को किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी बता रहे हैं। गुरुवार को सपा के मुख्य सचेतक विधानमंडल मनोज पांडे के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सपा नेताओं द्वारा मृतका नेहा दीक्षित के भाई एवं प्रमिला दीक्षित के पुत्र शिवम दीक्षित को ढांढस बंधाते हुए आश्वासन दिया गया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं सपा का हर कार्यकर्ता उनके साथ है। समाजवादी पार्टी उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए उन्हें आर पार की लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। इस दौरान सपा के मुख्य सचेतक विधानमंडल मनोज पांडे ने केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के पास अडानी जैसे लोगों को देने के लिए सरकारी भूमि है, लेकिन एक गरीब आदमी को सिर छुपाने को आशियाना बनाने के लिए भूमि नहीं है। वहीं विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही, अब तो रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद बाबा के बुलडोजर अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या सरकार के बुलडोजर आम आदमियों के लिए ही बने हैं? उन्हीं के घर गिरवाए जा सकते हैं? इस घटना को अंजाम देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के घर गिराने के लिए बाबा का बुलडोजर शायद कमजोर पड़ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही निर्देश हम लोगों को दिया है कि इस घटना में जो पीड़ित परिवार है और जिस घटना से कहीं ना कहीं रूबरू हुआ है पूरा परिवार, जख्मी हुआ है, उसे मिलकर के आए, उनके प्रति संवेदना पार्टी की देकर के आए, उन्हें आश्वासन देकर के आए कि उनको न्याय दिलाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और देखिए, निश्चित रूप से जो ये घटना घटी है, इस घटना को ना आप झुठला सकते हैं, ना इस घटना को अब आप बहका सकते हैं, ना इस घटना से मुंह मोड़ सकते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और हम सरकार से भी ये मांग करेंगे कि बिना किसी अन्य विचार को मन में लाए इनमें जिन अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने लापरवाही किया है, इस घटना को कारित होने में उनका अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष उनका सहयोग रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। भाई, बुलडोजर इसके लिए नहीं होता है कि गांव में किसी गरीब के घर में जाकर के आप उसके घर में बुलडोजर गिरा देंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी, दो लोग धू धू करके जल जाएंगे, एक उंगली जलती है कितना कष्ट होता है। बेटी और बहन जले हैं, किस तरीके से उर्मिला दीक्षित और नेहा दीक्षित के साथ ये घटना घटी है, इस घटना से पूरा उत्तर प्रदेश बहुत दुखी है, हम लोग भी दुखी हैं। और ये हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं, इनके न्याय के लिए चाहे जो कुछ करना पड़ेगा, जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे उनको न्याय दिलाने में। भरसक हम, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी भरसक इस परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेंगे। पीड़ित बेटे से आपने बात की है, शिवम से क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन? बहुत दुखी है,
बहुत दुखी है, शौक है। वो अभी भी नहीं महसूस कर पा रहा कि इतनी बड़ी घटना उसके घर में घट गई। अभी भी उसको समझने में समय लगेगा कि उसकी माँ, उसकी वो बहन जिसको परिवार ने मजदूरी करके पढ़ाया था, LLB कराया था, और ये आशा रख कर के LLB की थी उस बेटी ने कि जब मैं LLB कर लूँगी तो मैं न्यायालय में तमाम गरीब और मजमूनों की मदद कर पाऊँगी, उन्हें न्याय दिला पाऊँगी। आज वो न्याय की पढ़ाई पढ़ने वाली बिटिया आज खुद न्याय नहीं पा पाई और धू धू करके जल गई। इससे दुखद घटना और कोई नहीं हो सकती। बुलडोजर ब्रांड बना रहा, उसी बुलडोजर की वजह से दाग लग गया, अब क्या कहेंगे? कोई चीज़ हो, पुलिस को शस्त्र दिए जाते हैं, इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि ये आम आदमी के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसलिए दिए जाते हैं कि आम आदमियों की रक्षा ऐसे दुष्टों से करने का काम करें जो आम आदमी को कहीं नुकसान पहुंचाते हो, इसलिए शस्त्र नहीं दिए जाते। तो कोई भी चीज़ें हों वो इसलिए नहीं होती हैं कि आम आदमी, एक गरीब आदमी ब्राह्मण परिवार का, वो उस बुलडोजर और उस मशीन से पीड़ित हो जाए, धू धू करके जल जाए। अच्छा, डिप्टी सीएम द्वारा कहा गया है कार्रवाइयाँ लगातार की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने कल भी मांग किया कि परिवार की जो मांग है कि परिवार ने कहा है कि 5-5 करोड़ रुपए की मदद की जाए, परिवार ने कहा कि 2 नौकरियां दी जाएं, हम इंतजार करेंगे कि जो भी सरकार का कोई व्यक्ति आए और इनकी मदद करना चाहता हो तो वो 2 नौकरी के कागज और 5-5 करोड़ रुपए लेकर के जरूर इन तक आए, ये हमारी मांग है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, जिसके परिवार की माँ खत्म हो गई हो, बेटी खत्म हो गई हो, उसे कमिश्नर साहब अपने ऑफिस में बुला करके सहायता राशि दे रहे हों, वो क्या यहाँ तक नहीं आ सकते थे? ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। पुलिस का कहना है कि ये जो आग लगाई गई है ये पीड़ित ने खुद अपने घर में आग लगाई है। अब पुलिस तो ये भी कह सकती है कि दोनों लोगों की मृत्यु नहीं हुई, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अखिलेश जी ने क्या कह के आप लोगों को भेजा यहाँ? अखिलेश जी ने शुरुआत से पहला दिन जब था, जिस दिन घटना हुई, शाम को ही जबकि वो बाहर थे, उनका फ़ोन आया और हम लोग घटना को देख ही रहे थे विजुअल, तब तक उनके पास विजुअल पहुँचे थे, उन्होंने तत्काल हम लोग सूचना दी। साहब ने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस विजुअल को अपने ऑफिशियल साइट पर लोड किया है और उन्होंने खिलाफ आवाज़ उठाई। सुबह होते होते उन्होंने हम लोग आदेश दे दिया था कि आप लोग वहाँ पहुँचिए, और जब तक हम लोग बाहर आके देखते हैं तो पुलिस सुबह 9 बजे से हमारे घर के बाहर छावनी बना देती है। फिर भी हम लोगों ने दबाव बनाया, हम लोग निकले हैं, फिर रास्ते में रोका है, क्योंकि अलग अलग विधायकों को अलग जगह रोक के सरकार हमने तानाशाही का परिचय दिया, पर यह था कि हमें पहुँचना तो है ही, तो उन्होंने परसों रोका, कल हम लोग जाना चाहते तो कल PAC लगा दी, फिर हम लोगों ने आज कोशिश करी, आज चलिए हम लोग आ पाए। शायद उनका जो उनका मनसब था कि उन्होंने बॉडी उठा ली, उन्होंने उसका क्रिमेशन करा दिया, उन्होंने मुआवजे की चेक जबरिया आवाज से बुला के पकड़ा दी, तो उनको लगता था उनकी मंशा पूरी हो गई, इसलिए उन्होंने हम लोगों को आने दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर मौन नहीं बैठेगी, जब तक उचित मुआवजा, नौकरी, आवास और असली मुलजिमों को सजा नहीं होगी तब तक समाजवादी पार्टी इस मामले पर आंदोलन करती रहेगी। पीड़ित बेटे से आप मिले हैं, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया गया है? हम लोग अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी सूचना देंगे, जो जानकारी हम लोग मिली है शिवम से और जो आप लोगों के माध्यम से मिली वो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोग विधानसभा सत्र जो शुरू हो रहा है उसमें सबसे पहले इस मुद्दे को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे और परिवार की मदद भी हम लोग करेंगे। उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस मामले में। डिप्टी सीएम जी ने कहा है कि कार्रवाइयां लगातार हो रही, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन विपक्ष जबरदस्ती राजनीति कर रहा है ब्राह्मण। वो हमारे बड़े हैं, लेकिन आपने उनका वीडियो देखा होगा जो उन्होंने पोस्ट किया, 1 मिनट 59 सेकंड में वीडियो पोस्ट किया, और कुल वीडियो कितने का है, 2 मिनट 50 सेकंड का, जिस 51 सेकंड में शिवम ने अपनी बात कही है वो तो उन्होंने पोस्ट ही नहीं किया। इसका मतलब वो सुनने की और सुनाने की क्षमता उनके अंदर नहीं थी। ये सड़क बन रही है जो गड्ढा मुक्ति की पोल खोलती है, सड़क बन रही, इससे हमको लगता है शायद कोई डिप्टी CM या CM यहाँ आने की तैयारी कर रहा है। ये बनती हुई सड़क भी कहीं ना कहीं इन मौतों को मजाक नहीं बना रही है, आपको नहीं लगता उनके आने की अगवानी की तैयारी हो रही है? जिस डिप्टी CM की अपने विभाग में एक चपरासी ट्रांसफ़र करने की हैसियत ना हो वो किसी को न्याय क्या दिला पाएगा? वो शाम को ताज होटल में जाकर के रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लें, इसी में उनकी सरकार चलती रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा कहा गया जो जमीन हटाई जा रही थी अवैध अतिक्रमण के लिए वो सरकारी जमीन थी, सरकारी जमीन, और जो अडानी को दी गई है वो जमीन किसकी थी? अभी 500 एकड़ जमीन कानपुर नगर में अभी अडानी को दी गई है, 1 महीने पहले की खबर है। ये जमीन सरकारी नहीं थी क्या? उद्योगपतियों को देंगे तो सरकारी ज़मीन नहीं है, और गरीब आदमी ने अगर बना लिया कहीं अपना जानवर बांधने की जगह तो सरकारी ज़मीन हो गई, और खाली कराने का तरीका क्या होता है? कानून का राज है कि नहीं है? कहीं ज़मीन होगी आपका मकान में कोई कब्जा करा होगा तो आप जाके सीधे गिरा देंगे, मार देंगे क्या?
कानून का राज है, आप कोर्ट जाएंगे, आप मुकदमा लगाएंगे, कोर्ट में फैसला होगा, फैसला होकर उसका अनुपालन होगा। प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के बाहर का ही मामला था, प्रशासन ने सिविल। सपा नेताओं ने कहा कि इस मामले की पूरी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दी जाएगी और इस मामले को विधानसभा में भी पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा। सपा नेताओं ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग भी की है। इस दौरान विधायक विनोद चतुर्वेदी, विधायक प्रदीप यादव, विधायक मोहम्मद हसन रूमी, पूर्व विधायक रामप्रकाश कुशवाहा, पूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर, पूर्व एमएलसी दीपक यादव उर्फ कल्लू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख वेद व्यास, निराला पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बलवंत सिंह यादव उर्फ मुन्ना, यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण यादव उर्फ बंटी समेत भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिला है, क्या बातें हुई हैं, किस तरीके के आश्वासन दिए गए जी? बातें जो मेरे साथ बीता हुआ है मैंने उनको वही बताया है और उन्होंने बातों को सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि जो हो सकेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से वो मेरे साथ हर संभव मदद करेंगे। जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं या सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए जा रहे हैं उससे कितना संतुष्ट है? अभी जमीनी स्तर पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अभी मुझे जो सुरक्षा वाली बात है सुरक्षा ही मिली हुई है, सिर्फ जो गार्ड की बात थी और जमीनी स्तर पर जो अभी बातें हुई थी कि वो पकड़े जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो अभी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। किन किन लोगों पर कार्रवाई की मांग थी आपकी? SDM लेखपाल कानून को और SHO रूरा और जो 10-15 पुलिस और गांव के 10-15 जो बाहुबली लोग थे उनके ऊपर। अच्छा, एक लगातार पुलिस की तरफ से बात कही जा रही है कि जो आग लगने का जो मुको था वो आपने आग लगाई, आपके परिवार जी आपने वीडियो देखा होगा, उसे मेरी माँ खुद ही कह रही है कि आग लगा दी, क्योंकि बाहर से मैंने खुद देखा था कि लेखपाल और गाँव अनिल दीक्षित, अशोक दीक्षित और उनके पुत्र अखिल और अर्जुन दीक्षित, मनीष और विशाल दीक्षित और ब्रजेश दीक्षित और निर्मल दीक्षित, इनके द्वारा आग लगाई गई है और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके JCB से हमें दबा के मारने का प्रयास किया गया। अभी कितनी उम्मीद दिख रही है न्याय की? अभी न्याय का मुझे तो उम्मीद दिख रही है कि शायद मुझे न्याय मिलेगा, अब आगे जो भी होता है वो जाँच के बाद। क्या प्रशासनिक अधिकारी जिले स्तर के अगर आपसे मिलना चाहें तो क्या मुलाकात उनसे करेंगे? जी बिल्कुल, अगर वो मुझसे मिलना चाहेंगे मिलेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.